हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स साल, आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। और टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी है, आपको पता ही, और उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है अब सीरीज जीतना, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं और सीरीज जीतनी है तो कम से कम 2 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी सीरीज जीत पाएंगे। ऐसे में टीम इंडिया की जो बुरी हालत हुई है पहले मैच में, उसके बाद वो वापस से कैसे आ सकती है, कैसे फिर से वो जोश वापस आ सकता है, कैसे उसको पीछे छोड़ा जा सकता है, इसको लेकर सलाह दी है मोहम्मद कैफ ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि स्विच ऑफ द फोन्स, शाउट आउट द नॉइज, शट आउट द नॉइज, स्टिक टुगेदर एज अ ग्रुप एंड लुक अहेड, दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस राइट नाउ फॉर इंडिया। अजिंक्य रहाणे को वो टैग करके कह रहे हैं कि अजिंक्य नीड्स टू गैदर द ग्रुप टुगेदर एंड स्टैम्प हिज लीडरशिप गोइंग फॉरवर्ड। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोन अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर आपने परसों पृथ्वी शॉ का एक स्टेटस देखा हो इंस्टाग्राम पर, तो वो पढ़कर यह लग रहा है उसका लबोलुआब यही था कि जो मुझे इस वक्त मेरी कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं वो लोग हैं जिनको बल्ला पकड़ना तक नहीं आता है, खेल खेलना तक नहीं आता है, वो भी मुझे बता रहे हैं। यानी प्लेयर्स जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर इस समय जमकर गालियां पड़ रही हैं, जमकर विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि आपको खेलना नहीं आता है, ये है, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो फिर चाहे कोई भी हो। तो मोहम्मद कैफ का मतलब यही है कि आप ये जो आउटरेज है ना जो बन रही है अब, एक जो माहौल बनता है, पता है अपूर, 2016 रियो ओलंपिक्स हो रहे थे और पुलेला गोपीचंद ने जो है फोन छीन लिया था पीवी सिंधु से 3 महीने पहले। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, देश में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको फोन मिलेगा जब ये रियो ओलंपिक खत्म करोगे आप। वो सिल्वर मेडल लेकर आई थी देश के लिए और किस तरह से उसके बाद उन्हें फोन मिलता है ये कहानी उन्होंने बताई थी। यानी फोन जो है ना, सोशल मीडिया जो है, आपको इस आउटरीच में डाल देता है कि क्या हो रहा है देश में, मेरे बारे में क्या बात हो रही है। आप जरूर से ज्यादा भी सोचने लग जाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है फिर अपने गेम से। तो ये वो चीज है जो मोहम्मद कैफ कहना चाह रहे हैं कि फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, रीग्रुप होइए, गैदर होइए, एक साथ बात कीजिए कि चलो ठीक है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट, कोई नहीं भूलेगा, हम भी नहीं भूलेंगे, लेकिन अब इससे बाउंस बैक कैसे करना है। और इसीलिए एक और अहम चीज होने वाली है जो हम अगली स्टोरी में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे विराट कोहली की मदद ली जाएगी। ठीक है, जाने से पहले विराट कोहली कैसे इस टीम की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मोहम्मद कैफ की बात ठीक है, मतलब मैं यही समझता हूँ बिल्कुल। तो आप क्या सहमत है मोहम्मद कैफ की बात से, बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।